अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी इलाके में घर की अलमारी का ताला ठीक करने आए दो बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर अलमारी में करीब 2.5 लाख रुपए के गहने चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। घर पर सब मौजूद होने के बावजूद किसी को भी भनक नहीं लगी। अलमारी चेक करने के बाद जब परिजनों को मालूम हुआ तो गहने चोरी हो गए थे। उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना के ASI मनीराम ने बताया कि ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाली शिवांग दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके घर अलमारी का लॉक खराब था, जिसके चलते उनकी माताजी ने बाहर घूम रहे दो लोगों को ताला ठीक करने के लिए बुलाया और अलमारी को सही करते समय घर पर सब मौजूद थे। इसके बावजूद भी बदमाशों ने दो अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने पार कर लिए। इस मामले की शिकायत पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। परिजनों के द्वारा बताए गए खुलिए के आधार पर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है। इसमें पुलिस को जल्द ही सफलता हाथ लगेगी। ये शिवांग दुबे हैं, ब्रह्मपुरी के जाति इनके ब्राह्मण हैं। इन्होंने कल रिपोर्ट दी थी थाने के ऊपर कि दिनांक 3 तारीख को दो लड़के आए जो हमारी गली के अंदर अलमारी व घरों के लोग ठीक करने की आवाज़ लगा रहे थे कि लोग ठीक करवा लो। तो इनकी माताजी थी श्रीमती उर्मिला देवी, वो घर के बाहर अपनी पूजा पाठ के काम से खड़ी थी। तो उनको देख करके उसने कहा भैया हमारे लोग ठीक करने हैं। तो उस समय उन दोनों लड़कों को उनकी माताजी उर्मिला शर्मा अपने घर लेके गई। उन्होंने अपनी दो अलमारियों के लोग और कुंदे ठीक करने के लिए बताया। उस समय शिवांग भी घर पर था, इनके पिताजी भी घर पर थे, 1-2-3-4 और लोग भी थे। उन्होंने दो अलमारियों के लॉक ठीक करने को उनको दिखाए तो उन्होंने कहा लॉक चेक करके भाई कुंदा लाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अलमारी में से तो जहां शिवांग बैठा हुआ था जिस कमरे में उसमें से तो ये बता रहे हैं कि कोई सोने की लड़ वगैरह थी वो गायब करी हाथ सफाई से। दूसरी अलमारी में वो लॉक लगा रहे थे कुंदा, तो शिवांग का जो फादर है वो भी वहीं थे, पर वो साइड दबा करके किस प्रकार से अपने हाथ की सफाई उन्होंने की, वो माल उन्होंने वहाँ से गायब कर दिया। काफ़ी सोने के जेवरात लगभग 2-2.5 लाख रुपए के हैं। तो ये घटना 3 तारीख की है और कल अखबार में भी आई थी, कल शाम को दिन में थाने पर आया, इसमें मुकदमा दर्ज किया है। मैंने घटना स्थल का निरीक्षण किया है, फुटेज देखे हैं। कोशिश ये रहेगी अविलंब ही अहम सुराग मिले हैं, मुलजिमों तक पहुँचने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमारे जिला स्पेशल शाखा के भी और GST टीम सभी को बता दिए गए हैं जो फुटेज आए, अहम सुराग मिले हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।